पाकिस्तान में एक्चुअली मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा जब मैंने स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग का जो रुझान है कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में तो है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा एक कौम के तौर पर जो है ना, इल्म से रिश्ता है नहीं कोई उमूमी अगर हम तौर पे देखें तो। आप देखें अगर कहीं पे कोई ये फुटबॉल मैच हो रहा है ना, आप देखें पाकिस्तान से कतर कितने लोग जाएंगे मैच देखने के लिए, इन्हीं महंगाई के अंदर इसी तारी सारी शिकायत में कतर का टिकट लेके वो $500 का फुटबॉल का मैच। और अगर पाकिस्तान ये जैसे शादी अभी क्रिकेट का मैचेस हुए कितने लोग पहुंचे हैं, ओके। लेकिन अगर बात होती है कहीं पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो फिर वो बड़ा महंगा हो जाता है, हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा जाती एक्सपीरियंस रहा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी और प्राइवेट में भी, मैंने एक एग्जैक्ट जुमला मैंने सुना है पार्टिसिपेंट्स है, वो जुमला ये था, फर्स्ट टी ब्रेक हुआ है ट्रेनिंग में कोई ऐसे 11 साढ़े 11 बजे, एंड दे कम टू मी एंड से हम यहाँ सीखने वीखने नहीं आए, वी आर ऑन पेड वेकेशन, बिकॉज उनको कंपनी ने उन्हों किसी दूसरे शहर से बुला के 5-स्टार होटल में ठहराया हुआ है, वहाँ पे उनको साथ में टी ए डी ए भी मिल रहा है, शाम को उनको समंदर घुमाने के लिए भी ले जाया जाता है, एक दिन उनका कश्ती में मनोड़ा का भी ट्रिप लगेगा, कराची में घूमने के लिए आए हैं वो अपने आप को ट्रेनिंग में नॉमिनेट कराया इसलिए ताकि वो ट्रेनिंग पेड वेकेशन उनको मिल सके, दे नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, एंड आई सॉ दैट एटीट्यूड मेनी टाइम्स। सो देर आर पीपल हु वॉन्ट टू लर्न, देर आर पीपल हु वॉन्ट टू डिवेलप, एंड दूसरा चीज क्या होती है, हमारा फोकस सारा होता है सर्टिफिकेट, सो लोगों को सर्टिफिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, स्किल्स में नहीं है, और सर्टिफिकेट्स वो इसलिए क्योंकि उनको नौकरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने आप को बेहतर बनाने में जरूरत इंटरेस्ट नहीं है। और मैं एक इमूमी बात कर रहा हूँ, जाहिर है हर एक ऐसा नहीं है, और अल्लाह करे मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत हो, मेरा अपना तजुर्बा है, अल्लाह करे मेरा तजुर्बा बिल्कुल झूठा हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ऐसा है कि लोगों में मैं कोर्स कराता हूँ, सबसे पहले लोग सर कितनी इसकी फीस क्या है, आपको पता है कोर्स है क्या, अरे आप जूता लेने जाते हो ना जूता तो आप पहले ट्राई करते हैं, आप देखते हैं आपको फिट आता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे है, सही लग रहा है, उसके बाद आप प्राइस पूछते हैं। और आप एक ऐसा इल्म जो पोटेंशियली आपकी जिंदगी बदल सकता है उसके लिए आप पहले कीमत पूछते हैं, उसके बाद कीमत पे डिसाइड करते हैं कि मैंने करना है या नहीं करना। थिंक अबाउट दिस, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या कर सकते हैं, एक तरफ लोग कहते हैं जी मैं जी मुझे सीखना चाहता हूँ, अच्छा जी सीखना है, मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे इतना सा मैसेज आज भी मैंने भेजा है आप लोगों को, शायद आया हो, नहीं आया तो आ जाएगा आप लोगों के पास, छोटा सा मैसेज है, उसमें मैंने क्या लिखा है, मेरी वेबसाइट पे डिटेल्स, आपको पता है मेरे पास क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, आए हुए अभी, सर इसकी फीस कितनी है, एक आदमी या एक औरत जो इतना सीरियस नहीं है अपने सीखने के बारे में कि वो इतनी जहमत करे कि इस लिंक पे क्लिक करके वो चेक करे कि ये कोर्स है क्या, मैं पतन इंटरेस्टेड नहीं हूं उसको सिखाने में। दैट्स व्हाट माय एटीट्यूड इज, आई मे हैव फ्यू स्टूडेंट्स बट पीपल हु रियली वांट टू लर्न, रादर देन मेनी स्टूडेंट्स who are interested in showing certificates on Facebook. This is what is happening as well. So organizations ki jo aap baat kar rahi hain ki aap wahan pe coaching wagaira ka, so mujhe nahi pata is waqt coaching ka kya rujhan hai,
और लोग तीन चीजों में कोचिंग कर रहे हैं, बट आई होप चीजें सही हो जाए, आई होप के लोग समझ लें। फिलहाल तो हमें सलाउद्दीन अयूबी का इंतजार है, वो आएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा, आने वाला है। मैं जब छोटा था, मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरी माशाल्लाह 5 बहन है, तो अब्बा हमारे जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनकी तनख्वाह भी बहुत कम थी, 6 बच्चे भी हैं। मैं छोटा सा था ना, मुझे अब हमें तो नहीं पता अब्बा के पास पैसे हैं नहीं है। हम अब्बा से रोज फरमाइश करते थे, अब अब्बू ऑफिस, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, अब्बू मेरे लिए आज गन लेकर आइएगा, आज मेरे लिए कार लेकर आइएगा। आज वो जमाने में ना वो चाबी वाली होती थी, एक वो मेंढक आता था यूं करके उसको चिपकाओ पक करके उड़ता था, उसमें स्प्रिंग सा कुछ लगा था, वो मेंढक लेकर आएगा, वो पटाखे वाली गन, उस लाइक बच्चों वाली हमारी हर रोज कोई ना कोई फरमाइश होती थी। तो अब्बू कहते कि हाँ आज इंशाल्लाह आज ले आऊंगा, आज ले आऊंगा। अब मैं जो ना इंतजार में, अब्बू ऑफिस से वापस आएंगे तो आज टॉय आएगा, अब अब्बू आते टॉय कह लिए, हाँ वो मैंने ले लिया है, वो आ रहा है बस, तुम्हारा टॉय जो है ना, वो दुकान वाला, असल में मेरे पास वो जगह नहीं थी, तो वो टॉय वाला जो है ना वो आ रहा है, वो भी उस वो कह रहा था वो घर पे पहुंचा देगा। नहीं, अच्छा मैं भी इंतजार में, कब तक आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, शाम हो गई भी नहीं, आ रहा है वो गधा गाड़ी पर आ रहा था शायद, रास्ते में ट्रैफिक होगी तो उसमें फंस गया होगा, नहीं आएगा, आने वाला होगा, आने वाला होगा, वो नहीं आता गधा गाड़ी वाला। हम दूसरे दिन फिर फरमाइश करते हैं, अब हाँ आज मैं बिल्कुल उसको जाके, अब वो होता था उनके पास बेचारे के पास जब कभी तनख्वाह मिली होती थी तो फिर वो एक आध टॉय मुझे ला कर देते थे, हालांकि वो टॉयज, अब्बू की तनख्वाह भी इतनी नहीं थी वो जमाने के, टॉयज भी कोई ऐसे नहीं, बट बहरहाल। तो ये जो सलाउद्दीन अयूबी है ना, ये भी आ रहा है, गधा गाड़ी पर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब्र करें पाकिस्तानी, बस पहुंचने वाला है, इनकलाब भी आने वाला है आपके यहाँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस सबर जरा सा, आ रहे हैं इनकलाब, गधा गाड़ी पर, ट्रैफिक में कहीं फंस गया होगा आपको पता है, तो इसलिए परेशान ना हो। जी इनका तो इंतजार सदियों से हो रहा है, याद से नहीं हो रहा है, इंतजार में बैठी, उम्मीद है, उम्मीद है। कल मैं एक नुमान अली खान का वो एक रिसेंट वो लाहौर में उन्होंने कोई किया था, इट्स रियली माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत अता फरमाई, सच ए नाइस, एक छोटी सी आयत के ऊपर उसमें किया था वो, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों का जो मामला है ना वो वतवासो बिल हक वतवासो बिल सबर वाली, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, लाइक बस दुआ करते हैं हम, अपने हिस्से का काम नहीं करते, बस दुआ कर दें, हम अपने हिस्से का काम नहीं करते। देखो इस कायनात में अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, इसमें जो जंगल होता है वो खुद ब खुद निकलता है, जंगली दरख्त खुद निकलते हैं, कांटेदार दरख्त खुद निकलते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपके घर में लॉन हो, अगर आप चाहते हैं आपके घर में फूल हो, अगर आप चाहते हैं आपके घर में पौधे फलदार दरख्त हो, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है, वो दुआ से नहीं लगता। यू विल नेवर एवर 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 फाइंड, क्योंकि जी मैंने दुआ की, देखे मेरे घर के इतना बड़ा लॉन लग गया, बस दुआ ही की मैंने खाली, और ये देखें जी ऐसा मेरा लॉन लग गया यहाँ पे, ये सारे ये वाले पर्ल भी, ये वाले गुलाब के फूल भी हैं, ये मोतिया के हैं, ये फलाने, बस दुआ की थी मैंने खाली। अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है, अल्लाह का तरीका ये नहीं। मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि अल्लाह की सुन्नत मेरी ख्वाहिश पे नहीं चलती है, उसके तरीके मेरी ख्वाहिश पे नहीं चलते, उम्मीदों पे नहीं चलते, बस उम्मीद है बस आने वाला, बस आ रहा है कोई इनकलाब आएगा मेरी जिंदगी में, बस कोई इनकलाब नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हमारे बड़े भी इसी के इंतजार में बैठे रहे, अब कोई आएगा तो अब कोई आएगा, हम भी बैठे हम बच्चों में, बेटा बैठो आने वाले हैं, तुम बैठो तुम नेटफ्लिक्स देखो, बस कोई आने वाला है, तुम सबर, अभी नेटफ्लिक्स पे देखो ना, अभी आजकल तो फुटबॉल देखो, कोई नहीं आएगा। ओके सो